अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज एक भाई मिले हैं जिनका नाम है एजाज भाई, ये पाकिस्तान से हैं और आज इनका छुट्टी है बोल के और मैं बोल सोचा हूँ कोई वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को यहाँ आने में या यहाँ काम करने में बहुत सारा हेल्प मिले। तो चलिए देर ना करते हुए भाई से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? पहले बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आप कैसे हैं? ठीक है जी। थोड़ा जोर से बोलें कि आवाज़ अच्छा आए। हाँ, जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं? आप लोग ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। शुक्र। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स को बताएं कि आप कहाँ से हैं। मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान के पिशावर शहर सिटी से हूँ और नून कंपनी में आया हूँ बाइक राइडर पे। जी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी कंपनी है, न्यू है। और मतलब वहाँ पे जो भी रिजल्ट है ना, वहाँ जी पे जो भी मतलब उसके साथ बात करना चाहिए आप लोगों को। हाँ, वहां से मतलब शुरू से बताइए कि आप अगर जी पाकिस्तान से कोई बंदा नया आना चाहता है तो ये काम कैसा है, और आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और किस तरह से आना चाहिए। ये जी इंशाल्लाह जो भी आएगा यहाँ पे फायदा ही होगा। लेकिन एक बात है कि यहाँ के रोड जो है ना बहुत तेज है, हाईवे भी मतलब खास करके जो है ना काम बहुत ज्यादा है। थोड़ा जोर से बोल। तो मेरा सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि ट्रेवल एजेंट के साथ जो पूरा बात करके आना है, जो वो आपको फैसिलिटीज का बताते हैं, जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको उस पर चलना पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात जो है ना, यहाँ पे अपना काम जो है ना अपने दिल मन लगा के करना है, जी क्योंकि यह रोड का काम है, रोड पे चलना है। 9 घंटे, 10 घंटे, 11-12 घंटे से जो है ना मुसलसल रोड चलाना होता है। और ये हर मुल्क के मुख्तलिफ है, हर मुख्तलिफ की मतलब हर मुल्क की अपनी मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो है ना रोड होता है। तो जो है ना अपने अपने यहाँ के इस तरह जो है ना हर कंट्री का अपना अपना रोड और अपना अपना हुआ है, मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, अपने अंगों को 2 से 4 करना है, फिर इंशाल्लाह आप लोगों का जो है ना बहुत आसानी होगी। तो कंपनी जो है ना बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। थोड़ा सा मेरे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, फर्स्ट टाइम जो मैं आया था थोड़ा सा मैंने एक्सीडेंट किया था, तो मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है एडमिट करके बहुत अच्छे तरीके से मेरे इलाज भी किया हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि जो भी आएगा इस काम में तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसको नफा देगा। ये ठीक है। तो एजाज भाई, आप बताएं, अगर आप पाकिस्तान से यहाँ आए थे तो आप क्या कंपनी में आए हैं या आप आजाद बीजे पर आए हैं? मैं तो कमले की भी बाइक राइडर पे जी ट्रेवल की थी पे। ठीक है। और यहाँ पे बाइक राइडर ही है जी और इंशाल्लाह हम जो है ना आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, दूसरी बार तो इसमें ये करेंगे भी हम। आप जो बाइक राइडर के काम पे आए हैं, तो आप कंपनी में आए हैं या आजाद बीजे पे आए? हाँ जी, मैं कंपनी पे आया हूँ, कंपनी के वीजे पे तो आया हूँ। पाकिस्तान से आने के लिए कितना खर्च लगा आप लोग? पाकिस्तान से आने के लिए यहाँ पे यहाँ पहुँचने तक तकरीबन 7 लाख रुपए खर्चा आता है। 7 लाख। 6 लाख रुपए कम से कम, 6.5 लाख जो है ना एजेंट लेते हैं, 50-60 हज़ार उसकी मेडिकल और इस तरह जो है ना अपने लिए कोई शॉपिंग वगैरह और मजीद जो है ना जी फिंगरप्रिंट लगाना और ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो तकरीबन 7-7.5 लाख रुपए तकरीबन लग जाते हैं तो पाकिस्तानी। यहाँ आए हैं तो सऊदी आने के बाद आपको कंपनी लाइसेंस कितने दिन में बना के दे देता है? लाइसेंस पहले कामा दिया था 1 महीने में, दूसरे महीने में लाइसेंस बना दिया है। जी 2 महीने का इसका रिक्वायरमेंट है, 2 महीने सिर्फ कंपनी आपको खाना पीना देगा, बाकी कोई जो है ना सैलरी नहीं होती। फिर 2 महीने के बाद जब आपको काम पे लगा दिया जाता है तो उसी दिन से आपका जो है ना इंश्योरेंस और आपका मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है और आपकी जो है ना सैलरी भी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारी कंपनी तो आपको सैलरी 1 महीने बाद भी चालू कर देती है, बहुत सारी कंपनी 45 दिन पे करती है। बस ये अपनी अपनी वो है ना, इसके रूल्स हैं। और असल में जो ना ये नून कंपनी जो है ना अभी न्यू स्टार्ट लिया है बाइक राइडर का, है तो बहुत तो पुरानी नून और बहुत सऊदी अच्छी है। में न्यू स्टार्ट सऊदी में किया? न्यू स्टार्ट किया हुआ है, जी सऊदी में न्यू है बाइक राइडर। तो
तो लाइसेंस बनाने लाइसेंस का क्या प्रोसेस है, मतलब लाइसेंस बनाने कितने का दिन में? लाइसेंस लाइसेंस बनाने का हमें पाकिस्तान में बोला गया था कि भाई इकामा लाइसेंस जो है ना वो कंपनी के थ्रू है। फिर जब यहाँ पे हम आ गए तो लाइसेंस जो है ना कंपनी बोलता है कि ये आपके लिए अर्जेंट बनाया हुआ है और इस देगा हमें अभी जो है ना सैलरी से 200 रुपये हमारे लाइसेंस का काटा जाए। अच्छा, तो ये काम आया है, ये काम कैसा है, काम कर लेते हैं या कोई टारगेट है या सैलरी है क्या? हाँ टारगेट बताया गया था पाकिस्तान में कि आप 300 से ऊपर डिलीवरी करोगे तो आपको पर डिलीवरी 10 रुपये मिलेगा, यानी 300 डिलीवरी करोगे तो आपको 500 मिलेगा बोनस, ठीक जी है। और जब आप 400 500 करोगे तो वो 800 मिलेगा। जी लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रूल्स इन लोगों का चेंज है, यहाँ पे 400 डिलीवरी करोगे तो 300 रुपये मिलेगा और 500 से 600 डिलीवरी करोगे तो आपको फिर 500 मिलेगा। जिस तरह जो है ना मतलब 300 या 350 डिलीवरी कर लेना महीने में तो वो 300 रुपये ये लोग बोलते हैं कि 300 रियाल मिलेंगे। हालांकि हमें पाकिस्तान में बताया गया था कि ये 340 ये तो आपका हर सिरका का अलग अलग रूल होता है ना, किसी जी में 300, किसी में 350 टारगेट रहता है, किसी में 400 रहता है, हर का सिरका का अलग अलग है। वहाँ की जो है ना थोड़ा सा हर चीज भी चेंजिंग भी होता है, फिर टाइमिंग भी चेंज होता है और सैलरी में भी चेंज होता है इस तरह और इस तरह।